हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिससे एलसीडी पैनल आप लोग बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये एलसीडी पैनल कैसे बनता है और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या रहता है, कैसे काम होता है, उसी के बारे में हम लोग ये वीडियो में कुछ सीखेंगे। देखिए, ये वीडियो में सिर्फ ये जो ग्लास वाला पोर्शन होता है जिसमें पिक्चर बनता है, सिर्फ उसी पर मैं ये वीडियो तैयार किया हूँ। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें टिकन बोर्ड, सोर्स क्रॉप, ग्रेड क्रॉप, उसी के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। सो देखिए, ये जो TFT पैनल है, LCD पैनल जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलता है, इसके अंदर क्या क्या रहता है देखिए। पहले वाला पोर्शन में ऐसे एक पोलराइजर पेपर रहता है फिल्म जैसा। एक्चुअली ये ग्लास के अंदर नहीं रहता है, ग्लास के बाहरी हिस्से पे रहता है ये पोलराइजर। इसके बाद पीछे साइड में बैकलाइट रहता है, जिसके बारे में मैंने पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया था। सो बैकलाइट के बाद ही आता है ऐसे एक पोलराइजर, जिसको ये ऐसे वाला जो सीधा सीधा लाइन आ रहा है, ऐसे पोलराइजर को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल पोलराइजर। देखिए देखिए, इसी जैसा जो प्लास्टिक लगा हुआ रहता है पैनल के पीछे वाला हिस्से में और फ्रंट वाला हिस्से में, उसको पोलराइजर बोलते हैं। ऐसे देखिए, इसमें एक वर्टिकल पोलराइजर है और एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है। इसको मैं बाद में आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये पोलराइजर के बाद क्या आता है फ्रेंड, और ये पोलराइजर के बाद आता है ऐसा एक TFT फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसको TFT फिल्म ट्रांजिस्टर बोला जाता है, जिसमें ऐसे बहुत सी ट्रांजिस्टर फिटेड रहता है। ये TFT ट्रांजिस्टर का काम है एक एक सब पिक्सल को ऑफ ऑन करना। वो बाद में मैं आप लोगों को साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ एक साथ डिस्कस करने पे आप लोगों भी आसानी से समझ नहीं पाओगे। सो आप लोग मान लो, ये बहुत सारा ऐसा ट्रांजिस्टर जो पैनल के अंदर रहता है, ये एक्चुअली MOSFET में है। इसका काम है एक एक सब पिक्सल को ऑफ एंड ऑन करना। उसके बाद आता है ऐसा क्रिस्टल, ऐसे क्रिस्टल प्लेट रहेगा। देखिए, ये जो क्रिस्टल है, ये लिक्विड और जो सॉलिड कंडीशन होता है उसका जो मध्यवर्ती कंडीशन है, उसी फॉर्मेट में एक क्रिस्टल रहता है। ये क्या करता है, पीछे वाला जो लाइट है वो सामने से जब आगे जाती है तभी एक रोकने का काम करता है लाइट को, या कितना कंट्रास्ट में वो लाइट को पास करना है, यही लिक्विड जो क्रिस्टल है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। इसके बाद आता है ऐसा एक कॉमन इलेक्ट्रोड प्लेट आता है, जिसका काम है ये जो लिक्विड क्रिस्टल के एक साइड में वोल्टेज अप्लाई करना है। एक्चुअली ये क्या होता है, जितना TFT रहता है उतने ऐसे लाइन रहता है। ये लाइन, ये जो TFT ट्रांजिस्टर रहता है, इसके एक हिस्से पे क्या रहता है, ये जो क्रिस्टल रहता है, एक हिस्सा क्या कहाँ लगा हुआ रहता है, ये TFT पे लगा हुआ रहता है, TFT का सोर्स पे, और एक क्रिस्टल का और एक हिस्सा लगा हुआ रहता है एक कॉमन इलेक्ट्रोड पे, जिस पे हम लोग VCOM सप्लाई देते हैं फ्रेंड। उसके बाद क्या आता है देखिए, उसके बाद आता है ऐसा एक कलर पन्नी आता है, जिसमें ऐसे देखिए ऐसे RGB करके कलर रहता है। मैंने इधर RGB लिखा है, लेकिन एक्चुअली कलर फॉर्मेट में रहता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे करके एक एक बॉक्स। ये जो बॉक्स देख पा रहे हो, एक्चुअली एक एक पिक्सल है। एक एक पिक्सल में फ्रेंड तीन सब पिक्सल रहता है। देखिए, वो जो बॉक्स देख पा रहे हो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों अलादा अलादा बॉक्स रहता है, तभी जाके पिक्चर आगे बन पाता है। देखिए, उसके बाद क्या रहता है फ्रेंड, उसके बाद रहता है ऐसा और एक पोलराइजर सीट, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पोलराइजर बोलता है। देखिए, ये जो पोलराइजर स्विच होता है, देखिए ये जो पोलराइजर है इसको वर्टिकल पोलराइजर बोला जाता है और इससे हॉरिजॉन्टल पोलराइजर बोला जाता है। लेकिन TFT पैनल में आप लोग जब पोलराइजर लगाओगे, पीछे कोई भी लगा सकते हो, आगे कोई भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों सेम पोलराइजर को, मतलब हॉरिजॉन्टल पोलराइजर को आगे पीछे नहीं लगा सकते हो, या वर्टिकल पोलराइजर को भी आगे पीछे नहीं लगा सकते हो। आपको एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजर और एक वर्टिकल पोलराइजर लगाना पड़ेगा पैनल के एक एक साइड में। देखिए, पोलराइजर का एक्चुअली काम क्या है वो मैं आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। देखिए,
ये जो बैकलाइट आप लोग देख पा रहे हो, बैकलाइट का जो लाइट है ये क्या कर रहा है, ये हर एक दिशा में जा रहा है, ये इधर भी आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, हर एक हिस्सा में आ रहा है। लेकिन इसको क्या करना है, इसको डिवाइड डिवाइड करके तैयार करना है, तभी जाके आप लोग कुछ पिक्चर देख पाओगे। जैसे देखिए पहले क्या होता है, बैकलाइट के बाद ये पोलराइजर देती है। पोलराइजर एक्चुअली व्हाइट पेपर में है इसीलिए आप लोग सिर्फ लाइन देख पा रहे हो, लेकिन ओरिजिनल जो पोलराइजर होता है इसमें क्या होता है, ऐसे जो व्हाइट व्हाइट जो पोर्शन होता है उसी से लाइट आता है और बाकी जो लाइट आउटपुट नहीं होता है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर ये क्या करेगा, इसका जो लाइट है ये ऐसे करके ऐसे ऐसे हिस्से में हॉरिजॉन्टली पास आउट करेगा। जैसे देखिए, जैसे मान लो यही एक पोलराइजर है, इसमें क्या देख पा रहे हो, देखिए एक ही लाइट देख पा रहे हो, वो भी हॉरिजॉन्टली, बाकी बैकलाइट का जो लाइट है पूरा लाइट देखिए ब्लॉकेड है। ये पेपर में एक लाइन मैंने किया हूँ सो इसलिए एक लाइन आप देख पा रहे हो। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसी के जैसा रो रहता है, उसी रो में लाइट हॉरिजॉन्टली ऐसे हिस्से में लाइट आता है। और ये जो वर्टिकल वाला जो पोलराइजर है, देखिए वर्टिकल जो पोलराइजर है इसमें देखिए लाइट ऐसे हिस्से में लाइट आ रहा है। ये देखिए, ये मान लो एक वर्टिकल पोलराइजर, इसमें देखिए लाइट कैसे आ रहा है, ये सीधा हिस्सा में आ रहा है, सीधा हिस्सा है, बाकी जो लाइट है वो ब्लॉक है। ऐसे पास में जितना ऐसे 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 करके लाइन रहेगा उतना ऐसे लाइट पास आउट होगा। सो देखिए इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, और एक उल्टा वाला पोलराइजर को जोड़ देते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इसके ऊपर और एक पोलराइजर को मैंने लगा दिया, तभी जाके देखिए एक बॉक्स जैसा तैयार हो गया। फ्रेंड देखिए एक बॉक्स जैसा तैयार हो गया। एक्चुअली पिक्चर कैसे बनता है, पिक्चर एक्चुअली जो है वो स्टील इमेज होता है, वीडियो कुछ नहीं होता है। उसी स्टील इमेज को पर सेकेंड पे 24 times चेंज करता है। जैसे आप लोग कोई इमेज आपकी मोबाइल से देख रहे हो या पीसी में लगा के देख रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो सेकेंड वाला पिक्चर देखते हो, थर्ड वाला पिक्चर देखते हो, उसी प्रोसेस में एक सेकेंड में 24 times चेंज करने के बाद ही कोई वीडियो बनता है। लेकिन वीडियो में जो रहता है वो एक्चुअली स्टील पिक्चर ही रहता है। सो देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे करके ये जो डॉट देख पा रहे हो, एक मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, देखिए ऐसे जो डॉट बन रहा है फ्रेंड, ये देख पा रहे हो एक डॉट है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें तीनों सबपिक्सल रहता है। देखिए देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड, एक्चुअली ये जो वीडियो है ये एनिमेशन में आप लोगों को अच्छा समझ आ सकता है, लेकिन मैं तो एनिमेशन नहीं कर सकता हूँ। सो इसीलिए मैंने क्या किया, ये पेपर पे ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आशा करता हूँ इसमें भी आप लोगों को सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, पोलराइजर के बाद वाला जो फिल्टर रहता है, कलर फिल्टर जिसको बोलते हैं, कलर पानी, इसमें देख पा रहे हो तीनों कलर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तीनों कलर को वो जो TFT रहता है, ट्रांजिस्टर टाइप, मैंने देखिए मैं दिखाता हूँ फ्रेंड, ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, ऐसे जितने सब पिक्सल रहता है पैनल में, हर एक सब पिक्सल के लिए ऐसे एक एक ट्रांजिस्टर फिटेड रहता है। देखिए ऐसे जो मैंने जो इधर कलर किया हुआ हूँ ना, रेड ग्रीन ब्लू, ऐसे करके एक एक बॉक्स में ऐसे तीनों सब पिक्सल रहता है, एक एक सब पिक्सल के लिए एक एक ट्रांजिस्टर रहता है। ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, पीछे वाला ये जो आपने देखा है, ये देखिए ये जो बॉक्स है इसमें जो तीनों कलर को आप देख पा रहे हो, एक्चुअली ये क्या करता है, इसमें जो ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर रहता है, ये एक एक कलर को पीछे से ब्लॉक करता है, पीछे से लाइट को पास आउट नहीं करने देती है। जैसे सिग्नल मिलता है वो ऐसे ऐसे करके एक एक लाइट को पास आउट करता है, तभी जाके स्क्रीन में पिक्चर बनती है फ्रेंड। सो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर और वर्टिकल पोलराइजर का काम क्या है, आप लोग समझ पाए हो कि ऐसे करके जो लाइट पीछे से आते हैं, ये जो लाइट है ये पोलराइजर का काम है ऐसे ऐसे हिस्से पे डिवाइडेड करना, और ये पोलराइजर का काम है उल्टा हिस्से पे डिवाइड करना, तभी जाके एक एक
ऐसा एक खिड़की बनता है। इसे एक खिड़की में क्या रहता है, कलर फिल्टर रहते हैं, तीनों कलर फिल्टर एक साथ रहता है, एक एक कलर फिल्टर का, ये जो कलर फिल्टर देख पा रहे हो, ये तीनों कलर फिल्टर एक एक बॉक्स में रहता है। उसी बॉक्स में जो तीनों फिल्टर रहता है उसका एक एक फिल्टर को पीछे से जो लाइट आ रहा है उसको ब्लॉक करके सामने पिक्चर प्रोड्यूस होता है। देखिए सामने क्या होता है, मैंने क्या बताया था, ऐसे एक रेड ग्रीन ब्लू ऐसे करके सब कलर फिल्टर लगा हुआ रहता है, तब भी जाके ऐसे पिक्चर बनती है। इसमें देखिए एक हर एक इसमें जो रेड और ग्रीन ब्लू सब कलर फिल्टर है, इसमें देखिए ये जो ग्रीन वाला हिस्सा जल रहा है, पिक्चर तैयार हो रहा है, इसमें क्या क्या है, ये जो पिक्सल है इसमें जो तीनों सब पिक्सल है रेड ग्रीन ब्लू, उसमें जो ग्रीन वाला सब पिक्सल है उसको ये लाइट पीछे से आने देती है, और इसी हिस्से पे क्या हुआ, रेड वाला जो सब पिक्सल है उसको सर्किट एक्टिव करता है, लाइट को पास आउट करता है, तभी जाके ये लाल वाला जो कलर हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। देखिए एक्चुअली ये जो लाइट पीछे से आ रहा है इसको पास आउट कौन करता है, पास आउट करता है ये जो ट्रांजिस्टर फिटेड रहता है करोड़ों में ट्रांजिस्टर, यही क्या करता है लाइट को ऑफ रुकता है, लेकिन ये नहीं रुक पाता है। रुकता कौन है, रुकता है टीएफटी पैनल के अंदर ये जो लिक्विड क्रिस्टल रहता है यही रुकता है, लाइट को पास आउट करता है। देखिए मैं आप लोग को और एक चीज दिखाता हूं फ्रेंड, ये जो हॉरिजॉन्टल पोलराइजर है और इसके ऊपर वो जो वर्टिकल पोलराइजर है वो इसके ऊपर रख दो। देखिए रख दिया हूं, पहले पिक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए ऐसे करके सफेद सफेद रो दिखाई दे रहा है, और ये जो है ये आड़ी वाली है। देखिए दोनों को एक साथ मिलाते ही कैसे बन रहा है, एक बॉक्स जैसा बन रहा है फ्रेंड, देखिए बॉक्स बॉक्स ऐसे करके बन रहा है, लाखों में बॉक्स बन रहा है फ्रेंड। इसी बॉक्स के अंदर क्या होता है, इसी बॉक्स के अंदर ऐसे करके तीनों कलर रहता है एक एक बॉक्स में, तब भी जाके क्या होता है पीछे वाला जो ट्रांजिस्टर, ये जो ट्रांजिस्टर रहता है ये क्या करता है, हर एक सब पिक्सल में ऐसे पीछे क्रिस्टल रहता है, वो क्या करता है ये वाला लाइट को ऐसे, ये वाला जो लाइट है उसी लाइट को एक क्रिस्टल ब्लॉक कर देता है। इसमें डाटा और वोल्टेज हम लोग जैसे देते हैं वो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजता है। मान लो थोड़ा पीछे वाले लाइट को सामने जाने देना है तो ये क्या करता है, थोड़ा जाने देता है, और मान लो पूरा जाने देना है, पूरा लाइट क्या करता है, पूरा सामने पीछे वाला जो बैक लाइट है उसको पूरी लाइट को सामने वाले हिस्से पे जाने देती है। लेकिन देखिए ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसमें हम लोग जब वोल्टेज नहीं देता है, इसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल रहता है इसका काम है पास आउट करना, लेकिन ये काम क्या करता है, इसमें जब तक हम लोग वोल्टेज नहीं देता है ये क्या करता है 90 डिग्री घूम के रहता है। 90 डिग्री मतलब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड, देखिए आपने क्या किया, पहले बैकलाइट के बाद ये जो हॉरिजॉन्टली पोलराइजर लगा दिया है, पीछे वाले हिस्से में आप लोग जो वर्टिकल पोलराइजर लगाओगे, ऐसे पोलराइजर लगाओगे, ऐसे देखिए बॉक्स जो बन गया है इसमें जो क्रिस्टल है उसको ये लिक्विड क्रिस्टल क्या करता है, लाइट पास आउट करता है, लेकिन कब करता है, जब इसमें वोल्टेज कुछ नहीं रहता है, वोल्टेज देने पे ये क्या करता है लाइट को रोक देता है। वोल्टेज जब इसमें वोल्टेज नहीं रहता है ये क्या करता है 90 डिग्री घूम के लाइट को सामने वाले हिस्से पे पास आउट करता है। आप लोग देखोगे LCD LED में जब तक VCOM, एक्चुअली VCOM वोल्टेज इसमें दिया हुआ रहता है, वो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, इसमें VCOM वोल्टेज ही रहता है, VCOM वोल्टेज से ये काम होता है। ये सामने वाला जो कॉमन इलेक्ट्रोड रहता है इसमें VCOM दिया जाता है, VCOM से क्या होता है फ्रेंड, इसका एक साइड सप्लाई, इसका जो मॉलिक्यूल है इसका एक साइड में इसी कॉमन हिस्से से सप्लाई जाता है, इसमें VCOM रहता है, और बाकी एक हिस्से का वोल्टेज कहाँ से फ्रेंड आती है, ये जो TFT फिटेड रहता है ट्रांजिस्टर रहता है इसके सोर्स के साथ ये लिक्विड क्रिस्टल का एक हिस्सा जुड़ा हुआ रहता है। जब तक इसमें वोल्टेज नहीं रहता है ये क्या करता है 90 डिग्री घूम के पीछे वाले लाइट को भेज देता है। मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकली दिखाता हूँ फ्रेंड कैसे घूमता है। आपने ये जो देख पा रहे हो इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक पोलराइजर शीट को
देखिए ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो इसके ऊपर मैं एक पोलराइजर शीट को लगा दिया हूँ। मैं हम लोगों को पता नहीं ये वर्टिकल पोलराइजर या हॉरिजॉन्टल पोलराइजर। एक्चुअली आपने ये जो डॉट देख पा रहे हो ये इतना छोटा डॉट है, ये आंखों से आप लोग नहीं दिख पाओगे। मैं इसी पेपर पे समझा रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को वो खिड़की जो मैंने दिखाया था वो बॉक्स आप लोगों को आंखों से दिखाई दे रहा था, लेकिन ये जो पोलराइजर शीट है इसमें इतना पास पास रहता है ये लाइट को टोटली ब्लॉक कर देता है। देखिए इसको मैंने ये पिक्चर के ऊपर ये पोलराइजर को लगा दिया हूँ, उसी पिक्चर में देखिए और एक पोलराइजर को लगा दिया हूँ, तभी जाके पिक्चर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों पोलराइजर एक ही दिशा में है। हर एक पोलराइजर ऐसे वर्टिकल हिस्सा में है, लेकिन मैं क्या करता हूँ देखिए अभी इसी पोलराइजर को दिशा चेंज कर देता हूँ, अभी इसको मैं हॉरिजॉन्टली लगा देता हूँ, तभी जाके देखिए इसका इंटरनल जो पिक्चर है आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पीछे वाले जो लाइट है ये पास आउट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो लाइट है ये ऐसे आ रहा था और इसके ऊपर वाला जो पोलराइजर लगा है उसको ऐसे लाइट जब आएगी तभी जाके हम लोग पीछे वाले लाइट को देख पाऊंगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये जो लाइट है ये सीधा आ रहा था इसलिए हम लोग दिख पा रहे थे। देखिए उसी पोलराइजर को उसी वर्टिकल हिस्से पे जब हम इधर लगाते हो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका लाइट क्या हो रहा था ऐसे ऐसे आ रहा है इसीलिए पिक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें भी लाइट ऐसे ऐसे आ रहा है इसीलिए दिखाई दे रहा है। लेकिन जब भी हम लोग ऐसे हिस्से पे लाइट को ब्लॉक करेंगे ट्रेन ऐसे हिस्से पे ऐसे करके लाइट को ब्लॉक करेंगे तभी देखिए ये लाइट क्या हो रहा था ऐसे ऐसे आ रहा था, ये लाइट ऐसे आ रहा था, तो ऐसे जब ब्लॉक कर देंगे तभी जाके इसमें जो पिक्चर है पीछे वाले हिस्से पे हम लोगों को नहीं दिखाई देगा। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी पिक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए उसके ऊपर जब ये पोलराइजर मैं उल्टा करके लगा देता हूँ, मान लो पीछे वाला जो पोलराइजर है ये हॉरिजॉन्टली है और ये वाला जो पोलराइजर है ये वर्टिकली है, सो तभी क्या करता है पीछे वाले लाइट को ब्लॉक कर देता है। सो मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसके इंटरनल इसके जो दो पोलराइजर है एक्चुअली ग्लास के दोनों हिस्से पे लगा हुआ रहता है। ग्लास के अंदर जो रहता है जो लिक्विड क्रिस्टल रहता है उसको मैंने आप लोगों से क्या बताया, जो लिक्विड क्रिस्टल को वोल्टेज हम लोग जब तक नहीं देता है वो क्या करता है 90 डिग्री घूम के रहता है। इसका मतलब ये जो लाइट ऐसे आ रहा था वो क्या करेगा, वो लाइट को ऐसे करके ऐसे आके ऐसे करके ये आउट करेगा, तो पोलराइजर लगा दिया उसी लिए ये दिखाई नहीं दे रहा था। अभी मैं देखो ये जो मोबाइल का जो स्क्रीन देख पा रहे हो ये एक मोबाइल का स्क्रीन है, मोबाइल का TFT ग्लास है, सो इसका जो पोलराइजर है इसमें नहीं है, इसका पोलराइजर वगैरह इसमें कुछ नहीं, सिर्फ TFT है और इसके अंदर वाला पोजीशन में लिक्विड क्रिस्टल अभी है। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों पोलराइजर के ऊपर इसको बिठा देता हूँ, पिक्चर कुछ नहीं शो हो रहा है क्योंकि लाइट ब्लॉकेज है, एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली। लेकिन मैंने क्या बताया था, जब तक इसमें जो क्रिस्टल है इसको वोल्टेज हम लोग नहीं देता है तब तक ये क्या करता है 90 डिग्री घूम के लाइट को सामने पास आउट करता है। सो देखिए पीछे वाले हिस्से से जो पिक्चर है वो कुछ नहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है दो पोलराइजर के वजह से। अभी हम क्या करता है, पोलराइजर दोनों पोलराइजर के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसमें जो क्रिस्टल रहता है उसी क्रिस्टल को इनपुट करता हूँ, तब भी देखिए क्या दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने थोड़ा घुमा दिया तो थोड़ा पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, और ये जो बाकी वाला हिस्सा है देखिए इसमें लिक्विड क्रिस्टल अभी नहीं है, सो इसीलिए ये पीछे वाले जो लाइट है ये ब्लॉक करके रखा है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। देखिए मैं जितना इसको इन करता हूँ उतना हिस्से का पिक्चर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, देख पा रहे हो? क्यों पीछे से ये पिक्चर सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीछे वाला जो लाइट है वो पहले हॉरिजॉन्टली आ रहा था उसके बाद एक जो लिक्विड है इसको इनपुट करते ही वो लाइट क्या हुआ वर्टिकली होके नज़र के सामने आ रहा है। देखिए उसको हम जब निकाल देते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा करके निकाल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा पिक्चर गायब हो रहा है फ्रेंड, देख पा रहे हो? देखिए ऐसे देख पा रहे हो फ्रेंड? देखिए ये मैं क्या करता हूँ, पोलराइजर दोनों पोलराइजर के ऊपर ही हिस्से पे लगा देता हूँ,
पिक्चर कुछ नहीं आ रहा है। देखिए दोनों पोलराइजर के नीचे वाले हिस्से पे मैं पहले इसको बिठा देता हूँ, उसके बाद दोनों पोलराइजर रखता हूँ, तभी पिक्चर कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इस क्योंकि इसका काम है सिर्फ लाइट को 90 डिग्री घुमा के ऐसे वाला जो लाइट आ रहा, आड़े वाली जो लाइट आ रहा था उसको ऐसे रोटेट करके पास आउट करना इसका काम है। कब? जब तक इसको वोल्टेज नहीं दिया जाता है। देखिए एक पोलराइजर और एक नीचे वाले हिस्से में जो पोलराइजर को हम देते हैं, देखिए पिक्चर क्लियरली आ रहा है, लेकिन ऊपरी हिस्से में देखिए जिधर ये लिक्विड क्रिस्टल नहीं है जिस हिस्से पे, उस हिस्से पे देखिए पिक्चर नहीं है, लेकिन जिस हिस्से पे लिक्विड क्रिस्टल है उसी हिस्से पे देखिए पिक्चर दिखाई दे रहा है। सो पैनल का जो TFT ग्लास है इसका असली खेल है ये TFT के अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल है यही क्या करता है, पीछे वाले ये लाइट को आगे जाने से थोड़ा रोकता है, ये ज़्यादा रोकता है, ये पूरी रोक देती है या पूरी जाने देती है, इसी के ऊपर डिपेंड करके सामने वाले हिस्से पे पिक्चर बनता है फ्रेंड। और इसको काम करने के लिए ये जो कॉमन इलेक्ट्रोड रहता है, ये ऐसे जो लिक्विड क्रिस्टल है इसके एक ऊपरी हिस्से पे ऐसे कॉमन इलेक्ट्रोड रहेगा और नीचे वाले हिस्से पे क्या रहेगा फ्रेंड, ये ट्रांजिस्टर रहता है। ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, सोर्स से ये कॉमन इलेक्ट ये जो TFT है, TFT का जो गेट वाला हिस्सा है, ये पैनल में जो गेट साइड रहता है इसमें जो गेट एरिया बोले तो CKB1 ये जो रहता है वो क्या करता है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये MOSFET, एक्चुअली ये MOSFET रहता है, MOSFET को एक्टिव करने का काम एक गेट वाले हिस्से से होता है फ्रेंड। और इसका सोर्स और ड्रेन में क्या रहता है, ये एक हिस्से पे लिक्विड क्रिस्टल रहता है और एक हिस्से पे क्या आता है जो सोर्स कॉप से डाटा गामा वोल्टेज आता है और एक साइड से ये लिक्विड क्रिस्टल का सप्लाई पास आउट होता है और लिक्विड क्रिस्टल का और एक साइड पे ये जो कॉमन इलेक्ट्रोड रहता है इसमें VCOM रहता है, VCOM वोल्टेज होकर लिक्विड क्रिस्टल के एक हिस्से पे सप्लाई आता है और एक हिस्से पे ये ट्रांजिस्टर से होकर वोल्टेज आता है। सो ये जो वोल्टेज है कॉमन वोल्टेज जिसको बोलता है VCOM वोल्टेज कॉन्स्टेंट तो फिक्स्ड रहता है फ्रेंड, लेकिन कोई भी कंपोनेंट्स हो, कोई भी सर्किट हो, किसी को भी हम लोग जब एक्टिव कराते हैं या थोड़ा एक्टिव कराते हैं उसके लिए तो वेरिएशन का जरूरत है। वो वेरिएशन या ऑफ ऑन स्विचिंग वो कौन करता है, ये जो TFT ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है वही करता है इसको कंट्रोल। सो उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, उसके बाद ये जो पास आउट लाइट होता है ये एक एक पिक्सल को ऑफ ऑन करने का काम करता है। उसके बाद वाले हिस्से पे ऐसे स्क्रीन के माने लास्ट पोलराइजर का जो रहता है, लास्ट वाला जो पोलराइजर वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है तभी पीछे वाला वर्टिकल रहेगा, और पीछे वाला हॉरिजॉन्टल रहेगा तो सामने वाला वर्टिकल रहेगा। उसके बाद हम लोगों को ऐसा पिक्चर दिखाई पड़ता है फ्रेंड। सो देखिए फ्रेंड ये जो एक एक बॉक्स ये जो आप लोग दिख पा रहे हो ऐसे करके जो बॉक्स है, एक्चुअली एक एक बॉक्स में फ्रेंड ऐसे करके 3 सब पिक्सल रहता है, 3 सब पिक्सल। इसी एक एक सब पिक्सल को एक्टिव करने के लिए एक एक ट्रांजिस्टर रहता है, एक एक MOSFET रहता है। ये MOSFET क्या करता है, ये जो पीछे वाले लाइट है ये आके क्या हुआ, ये सब पिक्सल के पीछे ऐसे रुका हुआ है। ये लिक्विड क्रिस्टल जब काम करता है तभी जाके इसके लाइट को ऐसे घुमा के ये सामने वाले हिस्से पे आउट करता है। देखिए फ्रेंड ऐसे एक बॉक्स को एक पिक्सल बोला जाता है, एक बॉक्स में ऐसे 3 सब पिक्सल रहता है, तीनों सब पिक्सल को काम कराने के लिए ऐसे तीनों MOSFET लगा हुआ रहता है और इसके कॉमन वाले हिस्से पे देखिए VCOM रहता है फ्रेंड। और एक साइड में जो वोल्टेज ऑफ ऑन या थोड़ा कम देना है ये ट्रांजिस्टर या MOSFET यही लोग देता है। और इस पे जो देख पा रहे हो RGB करके है, ये क्या होता है टिकॉन बोर्ड या स्केलर बोर्ड से इसमें डाटा और गामा वोल्टेज आता है तभी जाके ये थोड़ा घूमता है या पूरा घूमता है। क्योंकि पहले मैंने आप लोगों को दिखाया वो जो ये जो लिक्विड क्रिस्टल है इसको वोल्टेज जब नहीं मिलता है ये 90 डिग्री घूम के
लाइट को दे देता है, लेकिन जब भी उसको वोल्टेज मिल जाता है तभी ये क्या करता है, पूरे लाइट को ब्लॉक करके रखता है। कितने लाइट को पीछे से आगे वाले हिस्से में देना है, जितना सिग्नल या डेटा आएगा उतना ये घूमेगा। देखिए आप लोगों को घर में जो खिड़की रहता है, बाहर से लाइट आ रहा था, सो कितना खिड़की खोलना है, कितना बंद करके रखना है, कितना लाइट को घर में जाने देना है, वो आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा खिड़की खोल के रखते हो तो बाहर से थोड़ा लाइट आता है, पूरा खिड़की खोल के रखते हो तो पूरी लाइट आता है। सो ये जो लिक्विड है ये सिर्फ पीछे वाले लाइट को रोकने का काम करता है, कितना पास आउट करना है ये सिर्फ एक खिड़की का काम करता है, पीछे वाले लाइट को कितना पास आउट करना है, कौन सा पिक्सल पे पास आउट करना है, वो इसी लिक्विड के बेसिस आउट होता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है, ये जो तीनों मोस्फेट है ये कंट्रोल करता है, इसी क्रिस्टल को कितना वोल्टेज देना है, कितना डेटा के ऊपर बेस करके कितना देने में एक कितना घूमेगा। ये थोड़ा देख पा रहे हो, इसमें मैंने एक डिजाइन ऐसे बना के रखा हूँ, ये देखिए ये थोड़ा हिस्सा घुमा है, ये और भी थोड़ा ज़्यादा घुमा है, ये पूरा घूम गया है, ऐसे देखिए ये जो डॉट डॉट है ना ऐसे करके घूमता है। जिसको जितना घुमाना पड़ता है, जो खिड़की को ये जो करोड़ों में खिड़की रहता है, ये जो ऐसे खिड़की देख पा रहे हो ऐसे करोड़ों में खिड़की रहता है, इसी खिड़की के कौन से हिस्से को कितना घुमाना है वो ही इससे लाइट पास आउट होके ये जो फिटे ट्रांजिस्टर रहता है उसी ट्रांजिस्टर से कंट्रोल होके लाइट को पीछे वाले लाइट को पास आउट करता है। क्योंकि देखिए आप लोगों ने पहले जमाने में जब ऑर्केस्ट्रा वगैरह में देखा है कलरफुल लाइट नहीं रहता था, तभी क्या होता है एक सफ़ेद लाइट के सामने हर एक कलर के पन्नी लगा के उसी कलर का लाइट सामने पास आउट करता था। सो उसी प्रोसेस में अभी का जमाना में जो LCD LED का पिक्चर बनता है उसी प्रोसेस में ही ऐसा लाइट सामने पास आउट करके पिक्चर को हम लोगों को दिखाने लायक बनाता है। सो फ्रेंड देखिए मैं आप लोगों को और एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, इसमें लाइट को मैं डार्क करके दिखाता हूँ। फ्रेंड देखिए ये जो मोबाइल का डिस्प्ले आप लोगों को नज़र में आ रहा है, इसमें देखिए मैंने एक पोलराइजर को लगा दिया हूँ और एक पोलराइजर को देखिए ऐसे सेम कंडीशन पे लगा दिया दोनों को हॉरिजॉन्टल में, इसीलिए पिक्चर कुछ नज़र आ रहा है। अभी मैं देखिए ये जो पोलराइजर है इसको मैं देखिए थोड़ा थोड़ा करके घुमा के पूरा घुमा देता हूँ, तभी देखिए पिक्चर कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी ये दोनों हिस्से पे पिक्चर आ रहा है। फ्रेंड अभी देखिए ये जो लिक्विड क्रिस्टल इसमें है उसको ऊपर बिठा दिया हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा थोड़ा करके इनपुट करता हूँ, तभी देखिए देखिए पिक्चर कुछ बन रहा है। फ्रेंड सो देखिए देख पा रहे हो फ्रेंड ये स्क्रीन पे ये जो स्क्रीन है इसमें अभी कुछ वोल्टेज वगैरह नहीं जुड़ा हुआ है, ये बिना वोल्टेज के मैंने बताया था 90 डिग्री घूम के दिखाता है, देखिए दिखा रहा है ना फ्रेंड 90 डिग्री घूम के दिखा रहा है, ऐसे आप लोगों को क्यों पता चल रहा है, देखिए 90 डिग्री घुमाता है क्योंकि इसको जो मैं 90 डिग्री घुमा के लगा देता हूँ ये पूरी लाइट को ब्लॉक कर देता है, पीछे वाला जो लाइट है वो थोड़ा भी सामने नहीं आने देता है। लेकिन जब भी ये पेपर को 90 डिग्री देखिए सेकंड पेपर को 90 डिग्री घुमा देता हूँ तब तक जाके पीछे वाला पूरा लाइट आने देता है, और 90 डिग्री घुमा देते ही पीछे वाले लाइट को ब्लॉक करता है। सो इसमें क्या हो रहा है, पीछे वाले जो लाइट है उसको 90 डिग्री ये पेपर घुमा रहा है, 90 डिग्री ब्लॉक कर रहा है। सो इसको इनपुट करते ही पिक्चर आ रहा है का मतलब क्या, ये 90 डिग्री ये पेपर क्या कर रहा है, सो एक क्रिस्टल कह रहा है 90 डिग्री लाइट को घुमाता है, ये आप लोगों को शायद पता चल रहा है। फ्रेंड बिना वोल्टेज के ये लाइट को 90 डिग्री घुमा के पास आउट करता है, और वोल्टेज देते ही ये क्या करता है उसी लाइट को ब्लॉक करता है, डाटा और वोल्टेज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ये घुमा के पीछे वाले लाइट को पास आउट करके स्क्रीन पे पिक्चर बनाता है। फ्रेंड सो फ्रेंड आज का वीडियो यही तक, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो सच में अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, क्योंकि शेयर करने पर ही ये वीडियो और थोड़ा लोगों के पास जाएगा, क्योंकि जिसका ज़रूरत है वो ज़रूरतमंद के पास वीडियो जाएगा तो वो लोग देख सकते हैं, और ये चैनल आप लोगों को देखने लायक लगता है तभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।